एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास सिक्स के सिक्स चैप्टर इंटीजर्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पे बेस्ड है, इंटीजर्स के इंटीजर्स में सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड -35 -20। तो किसी भी नंबर से कोई नंबर को घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उसे इसके बदले हम उसे उसमें उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दें। तो वन के एक उसके क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम, 35 -20। तो इस 20 को 35 से घटाया जा रहा है, इसका मतलब हम 20 के एडिटिव इनवर्स को इसमें जोड़ सकते हैं। तो 20 का एडिटिव इनवर्स -20, तो 35 -20 हमारा रिजल्ट हुआ 15। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव में है। उसके बाद क्वेश्चन 72, क्वेश्चन बी 72 -90। 72 से हमारा 90 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट 72 से उसके एडिटिव 90 के एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे। तो 90 का एडिटिव इनवर्स -90, तो इक्वल टू हो जाएगा 90 -72 हमारा 18 बचा। साइन निगेटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा निगेटिव में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, -15 -18। किसी नंबर से अगर किसी नंबर को घटाया जा रहा है, तो उसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। -15 उसके बाद -18 के एडिटिव इनवर्स है +18, तो हमारा नंबर हो गया 18 -15 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3। साइन पॉजिटिव नंबर का क्योंकि बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद डी, -20 -13, तो हम लिख सकते हैं -20 और फिर से -13, क्योंकि इसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं। तो हम साइन आगे माइनस, उसके बाद 20 और 13 दोनों का साइन सेम है, इसलिए जुटेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा, ऐड होगा। तो हम लिखेंगे 33, 20 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 33। साइन निगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर, दोनों नंबर निगेटिव है। उसके बाद ई, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 23 -12। और किसी नंबर से कोई नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो इसके बदले हम उसके एडिटिव नंबर एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। इसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। तो 23 में -12 का एडिटिव इनवर्स +12 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल रिजल्ट आएगा 35। उसके बाद एफ में, क्वेश्चन नंबर एफ में -32 में हम -40। तो किसी नंबर से कोई नंबर अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। तो -32 में -40 का एडिटिव इनवर्स +40 को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा +8। साइन बड़े का साइन पड़ता है, मतलब जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लगता है, तो ग्रेटर नंबर हमारा पॉजिटिव में है इसका, इसलिए हमारा साइन होगा +8। तो प्लस को रिप्रेजेंट कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा रिजल्ट आया 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन। तो -3 और -6 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद -3 -6, मतलब कोई नंबर से अगर कोई नंबर घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। तो -3 में पॉजिटिव सिक्स जुड़ गया। 2 का ए, -3 और -6 हमारा जुटेगा, तो -3 और +6 उसके एडिटिव इनवर्स -6, और इस साइड है -3 +6, तो हमारा इस साइड का रिजल्ट आया -3 -6 -9, और इधर का रिजल्ट आया 6 -3 3। तो हमारा ग्रेटर देन कौन नंबर हमारा बड़ा होगा, इसलिए हमारा नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर है तो वो नंबर हमारा बड़ा होगा, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, -21
माइनस माइनस 10, और यहाँ पे इस साइड है राइट हैंड साइड माइनस 31 प्लस माइनस 11। तो कोई नंबर से अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे। तो माइनस 21 प्लस 10, और इधर है हमारा माइनस 31 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 11। तो हमारा टोटल नंबर आया माइनस 11, और इस साइड आया हमारा माइनस 42। तो हमारा ये नंबर, जो नंबर जितना कम निगेटिव में होगा, जितना कम कर्ज में होगा, वो उतना पॉजिटिव होगा, उतना बड़ा होगा। जो नंबर जितना ज़्यादा निगेटिव में होगा वो उतना छोटा होगा, इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन बी का लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है। अब क्वेश्चन सी का हम देखते हैं। सी लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 45 माइनस माइनस 11, और राइट हैंड साइड साइड में हमारा 57 प्लस माइनस 4। तो हम इसे लिख सकते हैं, किसी पी नंबर से अगर कोई नंबर को घटाया जा रहा है तो उसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे। तो 45 प्लस 11, और इसके साइड इस साइड हमारा 57, उसके एडिटिव इनवर्स माइनस 4। तो हमारा आ जाएगा 56, और इस साइड आ जाएगा हमारा 53। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? हमारा नंबर 56 बड़ा है, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है सी में। उसके बाद डी में, क्वेश्चन नंबर डी, माइनस 25 माइनस माइनस 42, और राइट हैंड साइड में हमारा है माइनस 42 माइनस माइनस 25। तो कोई भी नंबर में अगर कोई नंबर से अगर कोई नंबर घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे। तो 25 माइनस 25, उसके बाद माइनस 42 का एडिटिव इनवर्स प्लस 42, और राइट हैंड साइड में माइनस 42 और माइनस 25 का एडिटिव इनवर्स 25 राइट में। तो यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा नंबर पॉजिटिव में है और राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर नेगेटिव में है, इसलिए ये नंबर हमारा जीरो से बड़ा होगा, ये नंबर हमारा जीरो से छोटा होगा, तो इसलिए हमारा ये नंबर ग्रेटर होगा। तो डी में हमारा लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, तो कोई भी नंबर में किस नंबर को जोड़ेंगे तो वो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो कोई भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। माइनस का 8 का एडिटिव इनवर्स प्लस 8 है, तो माइनस 8 में प्लस 8 का जोड़े तो हमारा रिजल्ट जीरो। 13 का में 13 किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़े तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। तो 13 में हम माइनस 13 को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। 12 में माइनस 12 को जोड़े तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो इसका सम हमारा जीरो आएगा। और जैसे इसमें क्या करेंगे, दोनों को एक साइड लाएंगे सारे डिजिट को। तो 12 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। नेट क्योंकि साइड चेंज करेगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 प्लस डैश में कोई नंबर, उसके बाद रिजल्ट हमारा जीरो। तो हमारा हम कह सकते हैं 8 प्लस डैश इक्वल टू जीरो। तो 8 प्लस 8 का एडिटिव इनवर्स इक्वल टू जीरो, तो 8 का एडिटिव इनवर्स माइनस 8। तो यहाँ पे हमारा माइनस 8। तो हमारा डैश माइनस 15 इक्वल टू माइनस 10। तो इसमें भी हम सारे डिजिट को एक साइड ले आएंगे। तो डैश माइनस 15, उसके बाद माइनस 10 राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो प्लस 10। तो डैश माइनस 15 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 5। तो माइनस 5 में किस नंबर को जोड़ा जाए कि रिजल्ट हमारा जीरो आ जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा हमेशा जीरो हो गया। अब तो इसमें इसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड, इन सब का वैल्यू निकालना है। 4 का ये माइनस 7 माइनस 8
माइनस माइनस 25। किसी भी नंबर से अगर कोई नंबर घटाना है तो उसके बदले उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे, तो माइनस 7 और माइनस 8, और माइनस 8 से अगर माइनस 25 घट रहा है तो उसका मतलब उसके एडिटिव इनवर्स 25 को जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 15, और इधर हमारा प्लस 25, तो टोटल रिजल्ट हमारा हो जाएगा 25 में से 15 गया तो हमारा बचा 10, प्लस 10 इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी का, माइनस 13 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1। तो इस केस में हमारा, हम देखेंगे तो हमारे 13 हमारे निगेटिव में 13 है और 8 है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस 1 भी है। तो पहले इन जो एक साइन के वैल्यू है, तो 13 8 और 1 को हम एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3 8 11 और 1 12 और 1 1 2, क्योंकि 1 यहाँ का बचा था, तो हमारा बचा 22 माइनस में, प्लस में हमारा बचा 32, तो रिजल्ट यहाँ पे भी हमारा आया प्लस 10। अब हम 4 के सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 4 के सी के क्वेश्चन है माइनस 7 माइनस 8 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 19। कोई किसी नंबर से कोई नंबर का घटाया जा रहा है, इसका मतलब उसके एडिटिव इनवर्स को हम जोड़ेंगे, तो माइनस 7 माइनस 8, उसके बाद उसका 90 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 90, सॉरी ब्रैकेट के अंदर है, 90 का एडिटिव इनवर्स माइनस 90 है, तो हमारा टोटल रिजल्ट आ गया 98 प्लस 7 105, तो टोटल रिजल्ट आया 105, जो कि निगेटिव में होगा क्योंकि सारे के आगे साइन निगेटिव में है। अब 4 का डी है हमारा 50 माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 2। अगर कोई नंबर से किसी नंबर को घटाया जा रहा है तो इसके बदले हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ सकते हैं। 50 और 40 का एडिटिव इनवर्स माइनस 40 का एडिटिव इनवर्स प्लस 40, उसका माइनस 2 का एडिटिव इनवर्स प्लस 2, तो टोटल रिजल्ट आया हमारा 50 प्लस 40 90 और प्लस 2 92। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।